हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो होते हैं विस्तार और मानक रेखा। ठीक है, भारत का विस्तार का मतलब क्या होता है कि भारत के जो विस्तार हैं पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर तक है और उत्तर से दक्षिण जो है कितना किलोमीटर है। और ये भी हम बात करने वाले हैं कि भारत के जो मानक रेखा जो 82.5 डिग्री है, जो मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल से बताया है, यदि आप उसे नहीं देखे तो जरूर देखें। तो मैं आज बताने वाला हूं कि भारत के जो मानक रेखा है वो किन किन राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या भारत के अक्षांश और देशांतर के जो विस्तार हैं कहां से कहां तक है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए अक्षांश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तर में भारत के कितना अक्षांश की अगर बात करें उत्तर में तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, भारत के जो है सबसे उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। और वहां पे और बिंदु की अगर बात करें हम तो क्या है इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल जो कहां पे पड़ता है लेह में स्थित है। ठीक है, इंदिरा कौल जो भारत के जो होते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है भारत का, और ये कहां पर पड़ता है लेह में स्थित है। और अगर अक्षांश की बात करें तो कितना 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण की ओर। तो यहां पे अगर बात पूछा जाए कि आपसे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो क्या होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा इंदिरा पॉइंट, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए इंदिरा पॉइंट। क्या इंदिरा पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका क्या उत्तर आना चाहिए कन्याकुमारी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैप केमोरिन, और ये कहां पे है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे है तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका अगर हम अक्षांश की बात करें तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या, अब तो हम देख लिए कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है इंदिरा कौल। ठीक है, कहां पे पड़ता है लेह में। अब बोल दे दक्षिणतम कौन सा, सबसे दक्षिणतम अगर पूछे, सबसे दक्षिणतम पूछे तो आपको जवाब देना है इंदिरा पॉइंट, इसको हम पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ठीक है, और अगर पूछे दक्षिणतम प्रायद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु पूछे आपसे तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए कन्याकुमारी, जिसको हम क्या बोलते थे कैप केमोरिन। और ये कितना डिग्री अक्षांश पे स्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट। कितना 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी। ठीक है, अब देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश तो हम जान लिए कि भारत जो होते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर बात करें, ठीक है, तो पहले पूरब की ओर देखते हैं, ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। अगर भारत की अगर बात किया जाए कि पूर्वी बिंदु कितना पे है तो पूर्वी बिंदु जो होते हैं 37 डिग्री 25 मिनट क्या है देशांतर है। और इसका जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश का क्या पड़ता है वालांगू, या इसको हम क्या बोलते हैं किबिथू। क्या किबिथू, ये इसका क्या है, ये इसका पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु यही पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और देशांतर कितना पड़ता है तो देशांतर की अगर बात करें तो कितना 97 डिग्री 25 मिनट। कितना 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप यहां पे बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पश्चिमी की ओर, ठीक है, पश्चिमी का विस्तार अगर भारत का पश्चिमी बिंदु की अगर बात करते हैं तो वो कहां पे पड़ता है, वो देशांतर कौन सा है तो 68 डिग्री 4 मिनट देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट क्या है देशांतर पे पड़ता है। ठीक है, और सबसे दक्षिण पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुजरात के क्या है कच्छ। ठीक है, गुजरात का जो कच्छ जिला है वहां पे पड़ता है इसका सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है,
और ये कितना डिग्री पे पड़ता है देशांतर पे, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पे पड़ता है। और अगर कहीं कहीं एग्जाम में क्या होता है कष्ट दे देता है, कहीं कहीं क्या होता है गुहर मोती दे देता है कि पश्चिमी बिंदु जो होते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है गुहर मोती दे देता है। तो आपको अगर गुहर मोती दे तो भी सही है, कच्छ अगर जिला दे तो भी सही है, दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर चूज करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या भारत के जो विस्तार थे, ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम तक कितना किलोमीटर है और उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना किलोमीटर है। मैंने आपको अक्षांश बताया, मैंने आपको देशांतर बताया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है, अक्षांश कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर कितना इधर पश्चिम तक कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, उधर पूर्वी है इधर पश्चिमी है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या विस्तार की, ठीक है, कितना किलोमीटर है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस मैप के माध्यम से दिखा सकता था, लेकिन बात है इसलिए नहीं दिखाया था कि आपको फिर 82.5 डिग्री में थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने उसको अलग से, आप कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझिए, ठीक है, रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट वाइज जैसे मैंने मैप की सहायता से आपको समझाया आप इस वीडियो को देखिए और उसी के अनुसार आप बुक पढ़िए, ठीक है, आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया, ठीक है। तो चलते हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर भारत का जो विस्तार है कितना किलोमीटर है, ठीक है, 29-33, जिस तरह मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरह याद रखिए, आपको ये रट्टा तट्टा कुछ नहीं, जिस तरह मोबाइल नंबर याद रहता है उसी तरह याद रखिए कि 29-33 कितना है, 29-33 कोई बोलेगा क्या है 29-33, सिर्फ इसी तरह याद रखिए 29-37 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। अगर बोलेगा, अगर कोई बोले कि उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण आप देख पा रहे हैं कितना है 32-14 कितना है 32-14 यानी 3214, और 29-37 किसका पूरब से लेके पश्चिम तक, किसका पूरब से लेके पश्चिम तक, ठीक है, यानी 2933, ठीक है, यही याद करना 29-37 32-14 आद हो गया, आद हुआ या ना, तो 29-33 किधर पूरब पश्चिम, और इधर की अगर बात करें तो 32-14 किलोमीटर, ठीक है, ये विस्तार है। और मैंने यहाँ पे देशांतर अक्षांश यहाँ पे बता दिया है, अक्षांश तो वहां मैंने बताया था डिटेल से, और यहाँ भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बताया, लेकिन यहाँ पे अंडमान और निकोबार में ही साथ में बताया, मतलब एक साथ ढेर सारा कॉन्सेप्ट को समझिए, मजा आएगा समझने में। देखिए मैं यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो चैनल है, ठीक है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है कितने डिग्री चैनल से दोनों अलग होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, तो कितना डिग्री 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है अलग करता है, क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड से आपको दिखाया है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, अंडमान में नहीं है, ये अवस्थित कहाँ पे है निकोबार में है, कहाँ पे अवस्थित है निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट निकोबार में अवस्थित है, और इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आप बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्या 82.5 डिग्री जो भारत की मानक रेखा, ठीक है, भारत की जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है किन किन राज्यों से होके गुजरती है, तो ये जो है ये कहाँ पे प्रवेश करता है, ये उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले जो होते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उत्तर प्रदेश के कहाँ मिर्जापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 82.5 डिग्री होके गुजरता है, ठीक है, 82.5 डिग्री जो भारत की मानक रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश के, ठीक। अब कहीं कहीं एग्जाम में और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कहीं कहीं दिया होता है, और कहीं कहीं एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं नैनी दिया होता है, तो आपको दोनों याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो होते मिर्जापुर से होकर मानक रेखाएं गुजरती है, और इलाहाबाद के क्या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो आपको दोनों चीज याद रखना है, एग्जाम में दो जो भी दे
या मिर्जापुर दे तो भी टिक आपको करना है, नैनी इलाहाबाद के नैनी दे तो भी टिक करना है। और हम जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, प्रयागराज। क्या? प्रयागराज रखा गया है इलाहाबाद का नाम चेंज करके, तो आपको यह भी याद रखना है। अब हम कितना राज से होकर गुजरते हैं, पहला प्रश्न तो 82.5 डिग्री जो होते हैं मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। कौन कौन? तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहां देखिए मैंने हरेक को मैप की सहायता समझाने का प्रयास किया है, आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखते हैं यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद जो होते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या होता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो होते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्य से अगर गुजरता है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, कौन कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये जो होते हैं 5 राज्य से भारत की 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है वो गुजरती है। और सबसे पहले कहाँ गुजरते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, या हम बोल सकते हैं इलाहाबाद के नैनी। आपको जो ऑप्शन में दे, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपको जो ऑप्शन में दे आप उसी को टिक करिएगा, यानी ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर को चूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया, और अगर बात करें इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसलिए हम नहीं बताए क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला उसमें मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या है यहाँ पे लक्षद्वीप भी है, इसलिए मैं लक्षद्वीप को नहीं बताया। यहाँ पे अंडमान निकोबार को इसलिए मैंने लिया कि कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है या बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे अवस्थित है, तो निकोबार में अवस्थित है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको वहां पे जिक्र किया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इधर क्या है, अरब सागर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया, तो आपको ये जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार लाइक या शेयर कर दिया करो तभी तो हौसला आएगा। और मैं हर एक कॉन्सेप्ट खतरनाक खतरनाक वीडियो लाने वाला हूँ, आप सिर्फ देखते रहिए, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हौसला बढ़े। और मैं हर एक मतलब ज्योग्राफी के जो होते हैं हर एक को टॉपिक वाइज में लेके आ रहा हूँ और बिना रटाए हुए आपको समझाऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो टॉपिक वाइज अगर जो देख लेंगे ना, वो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बिना रट्टा मराए मैं सबको याद कराऊंगा। तो चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और कोरोना वायरस से बचे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।